फरुखाबाद में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है। घटना रोहिल्ला रेलवे अंडरपास के पास ही हुई। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा द्वारा एक मारपीट की घटना का मामला सामने आया है, लेकिन 10 दिन बाद पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। पीड़िता और परिवार ने इसे स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जांच में लगी टीम को 25,000 का इनाम दिया। ये इस तरह की कोई भी घटना मौके पर नहीं हुई थी। यह पूरी तरह से भ्रामक सूचना थी, मिसलीडिंग सूचना थी, और साक्ष्यों के आधार पर उसके परिजनों ने और पीड़िता ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। पीड़िता का माननीय न्यायालय में उसका बयान भी दर्ज किया जा चुका है, और ये तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता ने निजी कारणों से, जिसे उसके निजता के अधिकार के कारण हम शेयर नहीं कर सकते, खुद से ये चोटें लगाकर ये घटना कारित कर ली थी। चोटें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी हैं। सहारनपुर में भारतीय किसान संघ ने जिला सभा का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष चौधरी अनिल महला ने अत्यधिक बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। श्रावस्ती के कौना थाना क्षेत्र में मैके में रह रही महिला पर पति ने हमला किया। दरअसल पहले से ही दोनों का दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय में चल रहा था। वहीं घायल महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शादी कितने साल पहले हुई है? 2015। मुकदमा कब से चल रहा है? 2020। आज फिर मारे पीटे? ये आज नहीं, ये कम से कम हमें 20 बार मार चुके हैं। इससे पहले भी थाने में एप्लीकेशन दिए थे? जितने बार मारे थे हर बार हमने थाने पर एप्लीकेशन दिए। कोई कार्रवाई नहीं? कानपुर के महाराजगंजपुर थाना क्षेत्र में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बता दें कि 22 तारीख को सुबह एक मालगाड़ी के सामने गैस सिलेंडर और बीए की कैन पटरी पर पाए गए। लोको पायलट के सूझबूझ से गाड़ी रोकी गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने घटना का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सहारनपुर के थाना गागल हेड़ी में मुठभेड़ में एक आरोपी सहरोज को गिरफ्तार किया गया। ये मुठभेड़ कैलाशपुर माउदिनीपुर रोड पर हुई है, जब पुलिस एक गोलीकांड के आरोपी को हथियार बरामद कराने ले जा रही थी। आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसको जंगल में लेके गए थे। इनके द्वारा बताया गया था कि इन्होंने वेपन को फायर करके एक जंगल में डाल दिया था, और वहाँ पे जब पुलिस पार्टी इनको रिकवरी के लिए लेके गई तो उन्होंने मौका पाते ही फिर वहाँ से भागने की कोशिश करी, और जो अपना वेपन है तमंचा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने बचाव में क्रॉस फायरिंग करी और क्रॉस फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी। इनको अभी जिला अस्पताल लेके गया है, और उसके बाद ही इनकी कोर्ट में आज रिमांड होगी। हरदोई के कटरी पर 16 में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने राहत सामग्री वितरण में पक्षपात का आरोप लगाया है। तहसीलदार के सामने नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने कहा कि दी गई सामग्री अपर्याप्त है। एसडीएम बिलग्राम ने बताया कि 550 राहत किटें वितरित की गई हैं, लेकिन सैकड़ों ग्रामीण बिना सामग्री के लौट गए। ललितपुर के ग्राम हीरापुर में एक अधेड़ महिला को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी सांप ने उसे उंगली में काट लिया। उसका बेटा डॉक्टर के पास न ले जाकर झाड़ फूक कराने में लगा रहा, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराजगंज में उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने मलिन बस्तियों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। सदर विधायक जयमंगल कनौजिया ने मंत्री को क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने सभी समस्याओं पर गौर करते हुए समाधान का आश्वासन दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की भूमि पर हुई कार्रवाई पूरे जिले के लिए नाजीर बन सकती है। साल भर पहले 96 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड से आजाद कराई गई थी। इसका ब्यौरा शासन से मांगा गया है, जिस पर 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया। माना जा रहा है कि इसी आधार पर दूसरे जिलों में भी कार्रवाई हो सकती है। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब DDC न्यायालय में वाद चल रहा था, उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा जमीन ग्राम समाज की जमीन थी, और उस पर यह पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था, और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब DDC न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागजों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है, जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। पीलीभीत में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था गुवाल के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने उनके फोटो पर पैर रखा और पुतला फूंका। यह प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों की 4 दिनों की हड़ताल के बाद मृतक जानवरों और कूड़े के न उठने की वजह से हुआ। आक्रोशित लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए। नारी शक्ति ने थाने में तहरीर दी, जिसे पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसलिए दिया है कि हमारी आस्था चेयरमैन जो है
उनका फोटो पर पैर रख के उनके साथ बदतमीजी की, ठीक है। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। अगर हमारे साथ हो सकता है तो हम जितनी भी महिला शक्ति है इसके खिलाफ विरोध करेंगे। अगर उनके खिलाफ जो कड़ी की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम नारी शक्ति उसे छोड़ेंगे। पीलीभीत के मंझारा गांव में तेंदुआ आबादी इलाके में पहुंचने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के चहलकदमे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। तेंदुए की सक्रियता में से किसानों में खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं। ये घटना तहसील अमरिया क्षेत्र की है। कासगंज के नरदोली गांव में ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या को लेकर तहसील पटियाली पहुंचे। सपा प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी के नेतृत्व में उन्होंने एसडीएम कुलदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जलभराव का समाधान गांव में डॉक्टरों की टीम भेजने और बर्बाद फसलों का मुआवजा देने की मांग की गई। समस्या यह है कि इनके गांव में बारिश होने की वजह से अत्यधिक पानी भर जाता है, जिससे निकास बंद हो जाता है। वहाँ बहुत महीनों पहले एक नाला बना था, जो नाला उल्टी दिशा में बन गया है। उसका ढलान जो है वो उल्टी दिशा में बन गया है। जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहीं पर उसका ढलान कर दिया गया है, जिससे पानी निकल नहीं पा रहा है। और इस गांव में दो पुलिया हैं, एक प्राइमरी स्कूल पर है और दूसरी जो है रामवीर सिंह सोलंकी जी के घर के पास है। अगर इन दोनों पुलियाओं को थोड़ा सा उठाकर और चौड़ा करके बना दिया जाए तो इस गाँव में जल भराव की समस्या का समाधान हो सकता है। श्रावस्ती में जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज महाराज 108 दिवसीय शाकाहार सदाचार मग निषेध जन जागरण यात्रा के तहत पहुंचे। अनुयायियों ने उनका स्वागत किया और गढ़ी परसिया में सत्संग सभा आयोजित की। पंकज महाराज ने शाकाहार के महत्व, तामसी भोजन के दुष्प्रभाव और युवाओं को शराब जैसे व्यसनों से बचने की जिम्मेदारी की बात कही। फरुखाबाद की तहसील सदर की बिल्डिंग में दरारें आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। 2012 में करोड़ों की लागत से बने इस भवन में दरारें देखी गई, जिसके बाद एसडीएम और एडीएम ने मौके का दौरा किया। करीब आधा सैकड़ा कर्मचारियों को बिल्डिंग खाली कराने का काम सौंपा गया। जौनपुर के मंडियायाहू थाना क्षेत्र में दादरा बाईपास के पास एक स्कूटी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए। श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिससे परिवार वालों ने हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। उन्होंने रुपए मांगने का भी आरोप लगाया, कहा कि रुपए न मिलने से लापरवाही बरती गई है, जिससे महिला की जान चली गई।